नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शाहिल। आपने लॉगिन किया है टॉप न्यूज। हमारी टीम की मेहनत अगर पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर पास में मौजूद बेल के बटन को दबाएं। धन्यवाद। बांदा प्रधानमंत्री आवास योजना में सचिव पर लगे गंभीर आरोप। बांदा के डंडवा मानपुर पंचायत के वीरेंद्र कुमार ने अतर्रा तहसील दिवस में की शिकायत। सचिव मुकेश तिवारी पर लगाए आरोप। उन्होंने बताया, फर्जी तरीके से कागज पर बिन जांच किए बड़े भाई के मकान को उनके नाम दिखाते हुए 2011 की सूची में 55 नंबर पर अंकित वीरेंद्र सनोफ हजारीलाल का नाम होने के बावजूद उनको आपत्र दर्ज कर जांच आख्या प्रेरित कर दी गई। फोन से बात करने पर वह किसी का फोन नहीं उठाते। यदि फोन कभी लग भी जाए तो अपने को सदर विधायक का रिश्तेदार बता क्षेत्रीय जनता को धमकियां देते हैं। ये आरोप गंभीर हैं। अब देखना ये होगा कि फर्जी तरीके से किए गए आपत्र लोगों को जांच कर पात्र लोगों को सरकार की मंशानुरूप कब तक आवास मुहैया हो पाते हैं तथा उक्त दोषियों पर जांच के बाद क्या कार्रवाई होती है। हाँ भाई साहब, क्या नाम है आपका? वीरेंद्र कुमार। क्या समस्या है आपकी? मेरी आवास की समस्या है। कैसे? आवास की समस्या है, मोए कच्चा घर बना है। अच्छा। मोए भाई के बगल में पक्का बना है। अच्छा। वही जो उन्हें मोए में दर्ज कर दी नहीं। अच्छा। मैं शिकायत कही ना। हाँ। जिला अधिकारी के यहाँ ऑनलाइन। जी। वह महनी जो उन्हें विकास खंड अधिकारी के पास जाँच आई, वो वही बैठे बैठे लगा दी सी। अच्छा। मोए घर जाँच कर तक नहीं आवा है। तो आपका 2011 सूची में नाम है? जी सर, 55 नंबर में अंकित है। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र कुमार सनाफ हजारी लाल। किस ग्राम पंचायत में? गढ़वा मानपुर। अच्छा। तो आपने सचिव से बात किया? सचिव से मैं नहीं बात किया। सचिव मिला नहीं कहीं? नहीं मिला। ना आपके घर कोई जांच करता है? नहीं जांच करता आया। अच्छा। फर्जी तरीके से काम? फर्जी तरीके से वहीं से अपना कर दिया है। अच्छा। तो आप कहीं शिकायत उकायत किया और दोबारा? हाँ, मंगल का जो उन्हें तहसील दिवस में फिर दे के आए हैं SDM का। अच्छा। तो क्या कहा गया वहाँ पर? वहाँ कहा गया कि हम दोबारा जांच कराएंगे। अच्छा। तो सचिव से यहाँ का कुछ दबंग प्रवृत्ति कहा गया? सचिव सुनता नहीं, दहाड़े कुंडाई करे थे, अधूरा बताते है। अच्छा। सचिव का क्या नाम भैया? सचिव का मुकेश तिवारी। अच्छा। गोचिया का रहने वाला है। अच्छा। कहा था कि मैं जो उन्हें प्रकाश द्विवेदी का रिश्तेदार हूँ। अच्छा। तो इसका मतलब किसी काम नहीं करेगा? मतलब मेरा काम नहीं करता। हाँ। मुझसे जो है प्रधान से चुनावी रंजिश के कारण प्रधान ने उसको बहका दिया है। अच्छा। इसलिए मेरा काम नहीं कर रहा।